नहीं भाई साहब बता दे तुम, भाई साहब बता दो ना साहब रहने के। जी पीछे रख दो नाम क्या है आपका? मनोज भाई। मनोज भाई बेल्ट लगा लो। कौन सी? मन सीट बेल्ट लगा लो, बोरी उस तरफ। नहीं सही। अच्छा हमको सिखा रही है? नहीं नहीं चालान कट जाएगा ना। अच्छा और क्या इसमें सही है और बुरा क्या है? ये तो इसलिए है अच्छा ताकि दिक्कत ना हो, समझे? क्यों होती है सीट बेल्ट गाड़ी में क्यों बनाई गई है बताएं? सीट बेल्ट गाड़ी में इसलिए बनाई गई है कि गाड़ी अगर ठुकती है आदमी को झटका ना लगे, आगे ना जाए शीशे पे, समझे? क्योंकि अगर वो शीशे पे जाएगा तो उसको क्या होगा, चोट लगेगी और बेल्ट उसे वापस खींच लेगी ऐसे, समझे ना? तो बेल्ट क्यों बनाई जाती? किसी का कोई कारण है जब ही तो बनाई गई है। हर चीज़ का कारण होता है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, मतलब अपना सुरक्षा आदमी खुद करता है। मत लगाओ नहीं लगाना हो तो, अभी गलती से कोई वारदात हो गई, नुकसान किसको होगा? हमको ही तो होगा। परेशान से काहे को परेशान से क्यों बैठे हो? बोलते नहीं है बिल्कुल भी क्या? बोलते जो ना बोलते तो बोल ही ना रहे तुम तो, तुम्हारी आवाज ही ना निकल रही, ऐसा लग रहा है कोका कोला पी के आयो। फिर गला बैठ गया? फिर क्या हो गया? ऐसा लग रहा है घरवाली ने आज मारा तुम पकड़ के। हैं शादी आ गई? ना भाई शादी ना भाई, शादी कर ले यार, कब करोगे शादी? अब बाल चलेगा अब शादी ना करोगे तुम? मोटर में नर कटा तुम्हें जी, क्या होता है मोक्ष? मोक्ष मोक्ष में ऊपर ऊपर शादी करोगे? ऊपर भैया। अरे चाचा आज जीवन में कर लो, ऊपर का पता, ऊपर भूतनी मिल गई थी तुम्हें। चाचा तो शादी कर ले यार, क्यों ना कर रहे जी बताओ पहले तुम? बाल तुम्हारे चले गए सारे, दांत भी चले जाएंगे, फिर कब करोगे? तुमने की कभी मोहब्बत? मोहब्बत ही ना की तुमने, अब इतने बड़े हो गए क्या? कितनी उम्र है भाई? हमारी हुई शादी के बाद मोहब्बत कई और से, ये हमसे टकरा गई एक बाहर की लड़की विदेशी, काले काले हफ्सी देखे? हफ्सी काले काले लोग होते हैं बाहर के, बिल्कुल काली होती है, काली काली देखी होंगी तुमने? देख तो ना सुनी है। सुनी देखी ना आज तक? बेचारी बड़ी पैसों के लिए परेशान, बड़ी सीधी सादी सी लगी, तो दोस्ती हो गई उससे, प्यार हो गया उससे, अब प्यार के चक्कर में एक गलती हो गई बस, बालक हो गया, बालक हो गया, उसे ना पता हो कि हमारी शादी है चुकी है, बाय लग गई पता कि हमारी हो गई है शादी, हमने बताई ना हमें, हमें जरूरत ना समझी क्या करना बता के, हम तो मदद कर रहे हैं ना, अब मदद के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जावे आदमी अपने होश खो जावे, लड़की ये देख के हो जाता है। क्या बोला तूने? तुमने कई लड़की से कछु किया हो ना? किया कछु ना किया, कुछ आज तक किया ही नहीं है। हमें मत वरी ना करता, चाचा बुढ़ापा आ जाएगा, कोई मत मन ना, खराब आ जाएगा, हम पुर्जे खराब आ जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं भाई साहब ऐसी तो हुआ ऐसे चाचा, मैं बताऊं गाने पमाड़े कर दिए गुरु, वो तो घर पे आने को तैयार मेरे, अब घर पे आया थी तो मेरा क्या होता सोचो, मेरी तो गृहस्थी खराब, समझ रहे हो? मैंने उसे खूब बोला ना, पैसा ले ले जी ले ले भाई, चले जा अपने देश वापस, जाने को तैयार नहीं। अब रात को दिमाग खराब हुआ और हमने टेंशनबाजी में पी ली, बहुत सारी पी ली, अति दो बोतल पी गए बिना पानी के, अब पी के पहुंच गए बाकी पास भाई, हमने लेके रख रखा एक अलग जगह, वहां पहुंच गए और गुस्सा आई, मैंने भाई निपटा दो मातिया चक्कर जी हुआ, अब रह गए बेचारा बच्चा जी, गलती है कि हाँ जी हमसे गलती है भाई कि वो बच्चा कर दो हमने, भाई बच्चे पालने के लिए कोई मिल जाए ना तो हम भागा खर्चा पानी देने को तैयार है। तुम पाल लो? लड़का है लड़की है? लड़की है।
पाल लियो तुम यार, काय की बात है, लेकिन वो आपसी है, काली है बिल्कुल। लड़की कहाँ? लड़की हमने रख रखी है फ्लैट में ही, एक में हम ना चाहे ना काय को मालूम पड़े कोई गलत केस फंस जाए, बात समझो। वो बाहर के है ना, यहाँ के होते लोकल तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की है। कहाँ दिखाओगे, कहाँ से आई, कैसे आई, कौन थी, कहाँ से आया जो बच्चा, समझ रहे हो? तो तुम पाल लो चाचा भाई, अभी पता है अभी वो बॉडी पड़ी हुई है वहीं पर ही फ्लैट में। अरे कहना क्या चाहते हो? बॉडी है, हटाना है मुझे अभी जाके, तो बच्चा है तुम्हें दे दे, वहीं चल रहे हैं फ्लैट में, अब बॉडी हटा देंगे वहां से। है ऐसा कोई मुंह का नाम है क्यों कहा हो, हमारी मदद कर दो इतनी सी, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अरे भैया मेहनत कराए तुझे, मेहनत ना है, एक तो 40 किलो की है वो, मेहनत ही मेहनत है भाई उठाने में, अब तो और फूल गई होगी एक दिन में, 160 ही पहुंच गई होगी, 20 किलो बढ़ गए भैया, पड्डा पड्डा सब खाती हूँ, लाना पड़ता रोज सारा आधा पड्डा लाना पड़ता मुझे, डिग गेट से लेके कटवा के डलवा दो भाई। क्या मैं गलत कहा है, बालक है तो पाल लो कोई, बालक बाल नहीं सकते हैं, बाल तो बालक तो है। हाँ तो कोई पूछता है तो वही, तो फिर क्या कहोगे है भैया, ऐसी और करना पड़े, तो बच्चा है तो ले लो तुम, बच्चे मत बताइयो मैंने दिया है ना, भैया अफ्रीकन बच्चा है वो, बोतल से भी दूध ना पीवे, कोई फ्रूट बियर पीवे, दो दिन आते फ्रूट बियर पिवा के सारी बोतलें खाली कर दी मैंने। ये बढ़िया था गुरु, और पीवे भी इतना है, एक दिन में 5 किलो पी जाए बियर, अंग्रेज का बच्चा है भैया वो, कालो वालो बिल्कुल जामुन की तरह है, बोल तो ये देखो अभी लाया हूँ नई बोतल भाई के लिए, कि दूध पिवाऊंगा भाई, अब बोतल से दूध तो पी भाई ना है, मैंने बोला भाई पिवाऊंगा बियर है भर के, जा जाइए मैं जाइए से पिए, वो गिलास से पिवा रहा हूँ तो निकाल लो, छोटा है ना अभी तो, अब जैसे पिलाऊंगा बोतल है भर दूंगा बियर है और पीता रहेगा। मैया इतना पहचाने अभी भी कि पूछो मत, बाघ के चक्कर में वो काली मैया, बच्चा ही कालो है, बाघ के चक्कर में वो रखा है मुक्का है, दिखाइए जरा देखो जी, ये दिख रहा है, चाय पहन के पिवाना पड़ा है भाई दूध, ताकि भाई लगे मैया पिवा रही है, वो भी कालो है, जे भी कालो है, तुम पाल लियो भाई, जे तुम रख लियो और बोतल रख लियो, खर्चा पानी देंगे बढ़िया, टॉप को टेंशन का ले रहे हो, बाहर हटा देंगे बॉडी अभी, और बच्चा है तुम ले जाएंगे। क्या हो गया यार, नशा सो कैसे काय से, मैं तुम्हें कचू खवाया पिवाया हो जो नशा यार है, नशा कैसे, और हम बैठे हैं गाड़ी में पीछे वो बैठा हो तुम्हें नशा आया, हमें नशा ना यार, तुम पी के आयोगे दारू बारू है, कहा पी के आयो ना, तुम उतार दे उतारू उतार तो रुको उतार रहा हूँ, आगे तो हाईवे पे कहाँ उतरोगे, साइड में रोकूंगा, घबरा गए तुम तो, नशा हो रहा है ऐसा को घबरा रहे हो, ऐसा उतार थे ना, अब देखो सुनो हमारी बात सुन लो, मान लो बात, नहीं नशा हो रहा है मुझे, नशा हो रहा है, अरे मैं नहीं ले जा रहा, तो मैं वापस ले जा रहा हूँ, ये छोड़ दे रहा हूँ, देखो मेरी बीड़ी, एक मिनट शांत, एक मिनट तुम्हें, एक मिनट शांत हो जाए, देखो अरे लो ये देखो मेरी वीडियो, देखो वीडियो देखो, ये देखो देखो भैया बहुत ज्यादा घबरा गए थे हमारी वीडियो में, क्योंकि इन्हें लगा कि सच में हम इन्हें कहीं ले जाने वाले हैं, भाई मेरा घबरा गया था, बहुत सीधा है मेरा भाई, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, तो मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा कि अनजान की गाड़ी में कभी नहीं बैठना चाहिए, और दूसरी बात आप लोगों ने कमेंट किया था कि सीट बेल्ट नहीं लगानी आती है, लेकिन आज मैंने वीडियो में बताया है कि सीट बेल्ट कैसे लगानी है, तो गाइज मैं भाई को अपनी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ, इन दोनों में से भाई सेलेक्ट करेगा उसे कौन सा चाहिए, कौन सा लोगे भाई, ये आपके लिए मेरी तरफ से प्यार, और प्लीज हाथ जोड़ के आपसे माफी अगर मेरे से गलती हुई, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें।